ऋतिक रोशन को क्रिश फ्रेंचाइज से क्या मिला? कोमल से बात करते हुए ऋतिक ने क्रिश को लेकर क्या कहा? इंडियन सुपर हीरो को कैसे क्रिएट किया जाएगा? क्रिश फ्रेंचाइज ने ऋतिक रोशन को बहुत कुछ दिया है। आज ऋतिक जो कुछ भी है उसका 50% हिस्सा उन्हें क्रिश फ्रेंचाइज से ही मिला है। जब क्रिश 3 रिलीज हुई थी, लोग इसे एक्स मैन से जोड़कर देख रहे थे। उस समय ऋतिक ने कहा था कि तुलनाएं अच्छी होती हैं। यहाँ तक कि मूवी क्रिटिक कोमल से बात करते हुए उन्होंने हॉलीवुड को क्रिश 3 से सीखने की सलाह दी थी। उनका ये वीडियो रेडिट प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। रेडिट पर ऐसे पुराने वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कुछ समय पहले राजा मौली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रभास के सामने ऋतिक रोशन कुछ नहीं है। बाद में उन्हें अपने इस वीडियो पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब रेडिट पे सूथी जनों की जद में ऋतिक का वीडियो आ गया है। इसमें वो सुपर हीरो फिल्मों के लिए जरूरी बजट ना होने की शिकायत करते हैं। उनका कहना है, हमने जब ऐसा कुछ यानी क्रिश 3 बनाने का फैसला लिया था तो हम इसे कैसे बनाएंगे, बजट कहाँ है, हम भारत में शूट किए बिना इंडियन सुपर हीरो कैसे क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपको इंडिया गेट पर एक्शन सीक्वेंस शूट करना है, कैसे करेंगे? आप बिना भारत में शूट किए कैसे दिखा सकते हैं कि कोई सुपर हीरो भारतीयों को बचा रहा है, जबकि आपका बजट आपको ये इजाजत नहीं देता है कि आप सेट को रिक्रिएट कर सके। यहाँ तक तो मामला ठीक था। उनके अगले स्टेटमेंट में मामला गड़बड़ाता है। यहाँ वो कहते हैं, और हाँ, दूसरी ओर हॉलीवुड फिल्मों को देखें, हमारी फिल्मों का बजट वहाँ की फिल्मों के बजट का सिर्फ 2% है। या आप ये कहें, जिस बजट में उनके यहाँ स्पाइडरमैन का सिर्फ एक सीक्वेंस शूट होता है, हमें पूरी मूवी बनानी पड़ती है। पर अब चैलेंज है कि ये मूवी क्रिश 3 देखने के बाद लोग इसका फर्क नहीं जान पाए। मेरे ख्याल से ये मूवी देखने के बाद हॉलीवुड मूवी वाले भी कहेंगे, सिर्फ 2% बजट में ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर रेडिट की जनता भड़क गई थी। एक यूजर ने लिखा, दोस्तों कुछ पुरानी चीजें इंटरनेट पर ही दफन कर देना अच्छा रहता है। एक और यूजर ने क्रिश 3 देखने के बाद हुई निराशा जाहिर करते हुए लिखा, मैं बहुत निराश हुआ था, मुझे लगा था डार्क स्टोरी लाइन होगी, ना कि वॉन विटाट के साथ वो चिल्ड्रन होगी। एक और यूजर ने लिखा, नेपो किड्स सब एक जैसे होते, हमारे पास वरुण धवन भी है। खैर, ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 को लेकर नया अपडेट आया है। राकेश रोशन ने 2016 में ही मूवी अनाउंस कर दी थी। ये भी बताया गया था कि पिक्चर 2018 में रिलीज होगी, मगर इस प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मूवी की लिखाई चल रही थी, प्रोसेस बड़ा फैल गया था। अब बताया जा रहा है कि मूवी का बेसिक प्लॉट लॉक हो चुका है, डायरेक्टर चुने गए हैं करण मल्होत्रा। तब इस मूवी को राकेश रोशन की कंपनी के साथ सिद्धार्थ आनंद मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। फिर भी क्रिश 4 2025 से पहले किसी हालत में रिलीज होती नजर नहीं आ रही है। खैर, अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो क्रिश 4 के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय।